हेलो दोस्तों, कैसे हो? तो आज कॉम एक और नए वीडियो के साथ आज हम जा रहे हैं नोवो में, और नोवो में बहुत सारे बंदे आने वाले हैं। और जो कपड़ों की बात करी जाए तो लॉबी में किसी ने छोड़ दिया थे, तो मैं फटाफट गया कपड़े चुरा के आ गया, और मस्त लग रहे थे यार कपड़े। टेडी बियर पीला सा कितना क्यूट सा। वैसे तो नोवो में आते हैं बहुत सारे बंदे थे, तो कंटेनर में ऊपर जाता नहीं कि कहीं से पड़ जाए तो गेम वहीं ख़त्म हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर कंटेनर्स लूटता हूँ और गन के नाम पर कुछ नहीं मिलता मुझे, तो मैं जाता हूँ वेयर हाउस में कि कोई गन वन मिल जाए। एंड PP19 मिल जाती है यहाँ पे, जो काम चलाओ ठीक है, लेकिन ये क्रॉसबो हमारे लिए नहीं बना, ये भगवान राम जी के लिए था, धनुष्बाण या उनके समय में था। और हमारे पबजी में क्यों डाल दिया, पबजी वालों के दिमाग में क्या आया? और बाहर देश में धनुष्बाण चलते हैं नहीं चलते पता नहीं, तो मिल जाता है किसी काम का नहीं था। फिर मैं आ गया तो शॉटगन मिल जाएगी, अब करते हैं रश। और सामने से मुझे फुटस्टेप आने लगे थे, और इसका दूसरा टीममेट भी अंदर बैठा था। और शॉटगन का भी भरोसा नहीं होता, कभी तो एक नहीं लगती और कभी मतलब पूरी स्क्वाड ही खा जाती है। तो इसकी किस्मत में शॉटगन का प्रसाद लिखा था, तो इसमें देते हैं। और सामने से भी फायरिंग हो रही थी टावर की तरफ से, तो उनको भी देखेंगे। तो मेरे को यहाँ 6x मिल गया था, तो अपने टीममेट से मैं DP मांगूंगा कि टावर बंद है जिससे 6x से मैं मार सकूँ उन्हें। शायद टावर वालों ने मेरी बात भी सुन ली यहीं से कि मैंने 6x ले लिया, और मेरे को मारने भी लगते भाई। लेट्स गो। मेरे को लगा यहाँ पे कि सिर्फ एक बंदा है, पर दो मिलते हैं, और आगे जाएंगे तो दो के चार हो जाएंगे। तो पहले तो मैं पीछे आऊँगा घर में, फिर देखता हूँ। और लेकिन मेरे पैर के नीचे M24 पड़ी थी, तो M24 लेना बनता है खासकर इन टावर वालों के लिए। मतलब यार मुझे अब M24 6x मिली तो ये झागने का नाम नहीं ले रहे, तो फिर मैं आगे जाता हूँ उतर के कि नोक मिलता है, दूसरा मिलता है। और यहाँ तीसरा भी दिखता है जिसको एक पैर में शॉट देता हूँ M24 का, और उसके बाद अभी एक कवर में जा चुका था जो, और चौथा भी दिखता है जो कि, पर इतने में राइट से फायरिंग का साउंड आता है और मैं ओपन में था, तो मुझे पहले तो कवर में जाना था। फिर इन्हीं पे पहले रश करते हैं, और फुट स्टेप देने लगे थे। और खैर ये तो बॉट था, अगर मैं इस बॉट के चक्कर में रहता तो अभी ख़त्म था मैं। और इतने मुझे वेयर हाउस से फुटस्टेप और आते हैं, शायद बॉट भी उसी को मार रहा था मेरे बाद। तो मैं इतने में एक नेट खींचता हूँ कि कहीं TP पे ले रहा हो तो फट फट जाए। और शायद इसको डैमेज आ गया इसलिए पीछे भाग रहा था। एक MP एक दो गोली मर जाता है, तो इससे मैं पेटी लूटता हूँ और M762 मिल जाती है। और सामने से आते हैं फुटस्टेप्स, और ये तो बोट निकलता है। लेकिन अभी मुझे याद आता है कि टावर वाला भी बच रखा है, तो उसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। और इतने में वो रश भी कर देता हमको फायरिंग सुन के, भैया जी फुल ट्राई करते हैं मारने के लेकिन छू भी नहीं पाते हम। तो नोवो में इतने बंदे थे बस, तो हम निकलते हैं नोवो से कि फाइट वाइट हो चुकी है, किल मिल गए, लूट मिल गई, अब चलते हैं रश करने। और लेकिन भाई ये कपड़े क्या ही मस्त लग रहे हैं, और ग्लोबल में तो कुछ मिलता ही नहीं था, और कोरियन में भी कुछ नहीं मिल रहा। और दोस्तों के तो भाई इन्वेंटरी मतलब ऐसी चकाचक, मिथिक आउटफिट, गाड़ी की स्किन, US दासिया भाई, इधर तो गरीबी के लाले छा रखे। एक मिथिक ड्रेस नहीं मिला भाई, लेजेंडरी भी मिला तो ऐसा इतना बुरा, पर हम भी क्या ही कर सकते हैं, पबजी वालों की देनी हम पे इतनी कुर्बान है। तो हम ब्रिज पार करके आते हैं और एक बग्गी स्पॉट होती है इन घर के बगल में, लेकिन फुटस्टेप्स नहीं आ रहे थे, तो हम सोचते हैं फाइट वाइट हो रखी होगी चले जाते हैं। लेकिन इतने में फायरिंग आता है पीछे से, और तो इतने में यार एक बंदा राइट से आता है, मैं उसको मारता हूँ, उतने में लेफ्ट से एक मारता है, लेकिन मेरा टीममेट था जो क्लियर कर देता है। इनसे यहाँ थोड़ी सी लूट करते हैं और निकलते हैं गाड़ी में, और इतने में लेफ्ट से भी फायरिंग का साउंड आने लगता है, तो चलते हैं उनके पास।
यहाँ मुझे ऊपर से फुटस्टेप आने लगते हैं, तो एकदम ही बाहर से भी फुटस्टेप आते हैं जो कि बॉट निकलता है। मतलब है भैया जी, मतलब फुल कैंप कर रहे थे कि कोई आएगा तो उड़ा दूंगा, लेकिन बेचारा मारा जाता बहुत तेजी में, और इनके पास पड़ी थी AWM, तो AWM लूंगा और फिर निकलते हैं यहाँ से भी। पोचिंग की तरफ चल रही थी स्लेयर, तो मैं जाता हूँ पोचिंग की तरफ, लेकिन भाई हमारे साथ हुआ था स्कैम। यहाँ पे गाड़ी पूरी तरफ फंस चुकी थी, ट्राई करता हूँ मैं बहुत की गाड़ी निकल जाए, लेकिन गाड़ी कहाँ मारने वाली थी, नहीं निकलने वाली। तो फिर हम जाते हैं फ्लेयर की तरफ, और इतने मुझे एक बंदा भी दिखता है फ्लेयर पे जो लूट के भाग ही रहा होता था, और इसको एक शॉट भी मारता हूँ AWM का, और अब ये जा चुका है। यहाँ पर मेरे पास गाड़ी भी नहीं थी, तो फटाफट पैदल ही भागना पड़ेगा पोचिंग की तक, और पोचिंग की जाने के बाद मेरा टीममेट हो जाता है ऑफलाइन, और फिर मैं पूरा लेफ्ट में प्लान करके जाता हूँ कि मारने जाऊँ, लेकिन भाई एक टाइम के लगा कि मुझे देख रहा है, पर वो किसी और को मार रहा होता है। तो ये भैया जी भी किसी फाइट ले रहे होते हैं, तो मैं पीछे से आके थर्ड पार्टी कर देता हूँ इसके ऊपर, लेकिन जाने से पहले मैं सोचता हूँ कि एक नेट कर लूँगा, इसका टीममेट मुझे देख रहा हो और ओपन मारता है मार दे। और एक टाइम पे तो मुझे लगता है कि भाई दोनों मारे गए, लेकिन किल फील्ड पे देखता हूँ तो एक ही किल मिलता है जो कि मैंने नॉक कर रखा था। तो मैं जाता हूँ फटाफट ऊपर, और साउंड आ गए थे मुझे उसके, जब रोजा लेके गुस्सा हो रखे थे। और भाई यहाँ पे ये बंदा भी मेरी 1 HP कर देता, अगर मैं नॉक होता ना तो मेरा टीममेट भी ऑफलाइन था, जो कि अब आ गया जिंदा होके, पर फिनिश डाल देता मेरे को पूरा। तो इतने में इनको मारते हैं, और ऊपर से ग्रोजा लूँगा इसकी और AWM की। ठीक, तो जब AWM और ग्रोजा हाथ में हो ना, तो नेक्स्ट लेवल ही कॉन्फिडेंस आ जाता है खेलने का। तो यहाँ से हम जा रहे होते हैं रोजोक, और एक BRDM दिखता है जिसके पीछे बंदे भी दिख जाते हैं। मैं यहाँ पे एक शॉट देता हूँ लेकिन बच जाता है, और इतने में पीछे से AWM चला रहा था जो कि टावर पे बैठा है। एक इसको बॉडी शॉट देता हूँ और करते हैं रश, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि आगे पीछे दोनों से पड़े और हम ना इधर के रहे ना उधर के रहे, खाली सैंडविच बन जाएगा बीच में, और इससे बढ़िया हम टावर वालों पर रश ही कर देते हैं। तो इतने में ये मैं सोचता हूँ नेट करूँ, लेकिन मेरा टीममेट नॉक कर देता, अब चलते रश करने इस पे। यहाँ पे मैं अपने टीममेट को बोलता हूँ कि तू आगे रह, अगर तेरे एम ले तो मैं नॉक कर दूंगा, क्योंकि यार वो ऊपर थे तो TP भी ले रहे होंगे। इतने में 2 फुटस्टेप आने लगते हैं जो कि अभी भी रिवाइव हो रहे हैं, और इतने में भाई साहब ये देखते रह जाते हैं स्मोक करके, और हम दोनों को ले जाते हैं, और इतने में हम पहाड़ी वालों पे रश करने जाते हैं गाड़ी के साथ, लेकिन भाई हमारा फ्यूल बीच में ही ख़त्म हो जाता है, तो अब यहाँ से भी फटाफट निकलना पड़ेगा, और सामने साथ ये बग्घी की साउंड, और ये बग्घी वाले को बहुत प्यारा उतारते हैं। इसको फिनिश करते हैं, लेकिन एक बग्गी और आती है पीछे से, और इसको स्लो मोशन में देखो भाई। एक नहीं 2 बंदे गिराते हैं, वो भी बहुत प्यार। अगर इस स्प्रे के बाद भी तुमने वीडियो को लाइक नहीं करा तो फटाफट लाइक कर दो वीडियो को। यहाँ सामने से भी AWM चल रही थी, तो उनके पास भी चलते हैं, और इतने में मुझे सामने से आते हैं फुटस्टेप। एनिमीज अहेड, और ये अभी भी TP ले रहा है, तो एक और नेड मारता हूँ, और इसको भनक तक नहीं लगती नेड की। तो ये भी पीछे से भगते हुए आ रहा था, तो इसका मतलब यही है कि पीछे भी बंदे हैं, तो इनको भी देखते हैं।
और भाई मैं इसको एक हेडशॉट देता हूँ और हील करूँगा मैं, और जोन उनके पास नहीं थी, जोन हमारे पास थी तो इनको जोन माना पड़ेगा। तो मैं यहीं वेट करता हूँ कि आएंगे और देखते हैं इनको, और आते भी हैं। एक आता है और जाता है, और दूसरा भी आता है, दूसरा भी जाता है, और तीसरा भी आता है, तीसरा भी जाता है। तो यही था आज की वीडियो में, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच गाइस।